और सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया सारा कुछ छिपा देना। जब आप कुछ खाओ जो आपको बहुत अच्छा लगे ना, अपने आप डांस निकलता है, राइट? Good morning, Mano. Good morning. Good morning, ugly. All right, तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरा रूमेटाइड की प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे से ख़त्म हो गई और अभी तक मुझे यहाँ पे फैमिली डॉक्टर मिला नहीं और मैंने ढूंढने की कोशिश भी ज़्यादा नहीं की है। तो मैं प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए जा रही हूँ वॉक इन क्लिनिक में एंड ऑल्सो मेरी बीमारी को डिस्कस करेंगे। पर डॉक्टर ने डिस्कस करने के बाद भी मुझे एंटीबायोटिक या कोई दवाई नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा फीवर एंड ऑल सब कुछ ठीक हो गया। मुझे फीवर हो गया था, बाय द वे, फीवर काइंड ऑफ फ्लू, एंड वो बाद में ठीक होने के बाद मुझे साइनस इन्फेक्शन हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि साइनस इन्फेक्शन से आपका पूरा सर दुखता है, कान बंद हो जाते हैं, नक में प्रेशर आ जाता है, स्मेल नहीं आती। सो काफ़ी दुविधा थी, पर उसने डॉक्टर ने कहा कि समय के साथ ही ठीक होगा, दवाइयाँ मत लो, स्टीम लो, एंड दैट्स इट। सो डॉक्टर की क्लिनिक में बैठे हूँ, डॉक्टर की वेट कर रही हूँ मैं, फीलिंग लाइक क्रैप। उसके बाद हम जा रहे हैं, हम थोड़ी गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए गार्डनिंग का सामान लेंगे थोड़ा बहुत। एंड फिर बहुत सारे दिन मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि साइनस की इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई थी और मेरे से बात भी नहीं हो रही थी, और सर ऐसे था जैसे किसी ने बन के रखा हो, बहुत प्रेशर होता है, वेरी इरिटेटिंग। सो हम खरीदने वाले हैं थोड़ी सॉइल एंड ऑल्सो वुड चिप्स, इनसे ना मिट्टी नहीं उड़ती, वीड नहीं आती, और भी बहुत सारे फायदे हैं। सो या फाइनली आई एम फीलिंग बेटर नाउ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आई थिंक ट्यूजडे है, पर हिम्मत की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, थोड़ा बेटर हो रहा है वो, मैंने सोचा कि आज जो उन्होंने रेस्ट डे दे देते हैं, कि ज़्यादा वर्स होने से अच्छा है कि शायद जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट ओके है। सो वो घर पे है, उसके लिए मैंने बनाया मिस्सी रोटी, उसे बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन मेथी वेथी पा के। सो अब वो पराठा बनाऊंगी मैं मेरे हस्बैंड के लिए, उसके बाद मैं बनाऊंगी मेरे लिए बहुत ही डिलिशियस सैंडविच, जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एंड वो सैंडविच भी, एंड उसको मैं सुकून के साथ खाऊंगी पति को रफा दफा करके। यार ये तेरा साथ गया ना, ओ बल्कि और बेटी पर तू वो कितों ले के फोटो भेजी मुझे गूगल तो सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया सारा कुछ ही पा देना। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हस्बैंड के लिए मैंने जान सो फॉर सम रीजंस मैं प्याज नहीं खाती। ओके, फॉर सम रीजन मुझे प्याज अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब मैं दाल का आटा मिक्स करती हूँ, गूंथती हूँ, उसमें अनियन ही डालती हूँ, हस्बैंड के पराठे में स्पेशल एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, उसकी वजह से मेरा परांठा बहुत पतला एंड पिलपिला हो गया। उसको मैंने काफ़ी अच्छा क्रिस्पी कर दिया, पति को अच्छा लग रहा होगा, अभी पति के रिव्यू ले लेते हैं। वैसे पति रिव्यू देने के लिए जीरो बंदे हैं, बहुत ठीक है, बहुत ठीक बढ़िया, झूठा नहीं, बंदे खाती तो है नहीं है जी।
मैजिक इंग्रेडिएंट की। बहुत ही बढ़िया लग रही है। We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week. Again. But I don't wanna think what's hostage. But who cares? You said that we're over. Hands under covers alone. This time. But everything I see still reminds me of you. Bag of all your things. The memories of when I kissed you. I'm sorry that I blamed ya for things you can't control. I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better, you stick with me, cause everything I see still reminds me of you. Alright दोस्तों, तो खाने पीने के बाद वापस आ चुकी हूँ। मैंने हमारा ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया था, 3:15 हुए हैं। हिम्मत को एक्चुअली मैं सुलाना चाहती थी कि थोड़ा सा बेटर फील हो, और जब उसे सुलाते तो मुझे भी उसके साथ लेटना पड़ता है, अदरवाइज वो कहता है ये बहुत बोरिंग हो गया। तो अब मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार सा वेज सैंडविच, जिसकी मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करना चाहती हूँ। इसमें जो भी हम वेजिटेबल ऐड करने वाली हूँ मैं मेरी फ्रिज में से, आप इनको स्किप करके अपनी मन पसंदीदा सब्ज़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर ली है, एंड एयर फ्रायर में मैंने थोड़ी सी फ्राइज भी रखी हैं, और मैं चाहती हूँ पूरा सारा कुछ पैकेज कंप्लीट करना। सो यस, हम यूज़ करेंगे क्लासिको ब्रांड की बेजिल पेस्टो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड ये एक है, ब्रांड का नाम है मर्टेली, एंड ये हॉट पेपर क्रीम इटालियन स्प्रेड है। ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं पूरे स्ट्रॉन्ग के साथ। मैं ये क्रैकर बैरल का मोज़रेला चीज़ करूँगी यूज़। एंड जो भी सब्ज़ियाँ आपके फ्रिज में, मैं करने वाली हूँ पेपर लाल करूँगी या ये ऑरेंज, एंड टमाटर, जुकीनी, इसमें एग प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है। मशरूम भी यूज़ करूँगी, मेरे पास थोड़ी पालक के पत्ते हैं, पालक बहुत अच्छी लगती है मुझे। एंड क्या बोलते हैं, सैंडविच बनाने के लिए स्पेशल ब्रेड है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड आप इसका नाम देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से, एंड ये यूज़ करें। अब सब्ज़ियों को थोड़ा सा स्लाइस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पैन रखेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करके सब्जियों को मैं करीना सौते कर लूँगी सॉल्ट एंड पेपर के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो हम हमारा सैंडविच असेंबल कर लेंगे। अभी ये है कि आप ज़्यादा भी कुक कर सकते हैं, पर थोड़ा सा क्रंच सब्जियों में अच्छा लगता है।
फ्राइज़ को होने के लिए अराउंड 10 मिनट लगेंगे, पर तब तक हम हमारा सैंडविच असेंबल कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सब्जियां गरम है और मैं चाहती हूँ गरम सब्जियों पे हम थोड़ा सा चीज़ भी डालें एंड मेल्ट हो जाए। सो मेरी ब्रेड को मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया है। सो सबसे पहले कि बॉटम साइड पे मैं अच्छे अमाउंट में लगाऊंगी पेस्टो। मुझे पेस्टो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो मैंने आपको कभी बताया है या नहीं, पर जब हम लोग कुकिंग करते थे लाइक शेफ स्कूल में थे, तो पेस्टो वैसी पहली चीज़ है जिससे मुझे लव हुआ था, क्योंकि सीधा इंडिया से आए बंदे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लाइक फ्लेवर्स नहीं अच्छे लगते हैं, बहुत सारे गलतियाँ नज़र आती हैं, क्या नहीं बढ़िया नहीं बढ़िया। पेस्टो जिस दिन हमने फ्रेश बनाया था ना, उस दिन मैंने जो भी हमने मील बनाया था वो खा लिया था मैंने। ओके, सो ये चिली स्प्रेड लगाएंगे, इटालियन चिली स्प्रेड ऑन वन साइड। आप इसको स्किप करके अपनी मन पसंदीदा चीज़ें लगाएं, पर मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बिल्ड होता है अगर आप फ़ैन हैं इटालियन फ्लेवर्स के। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े फ़ैन नहीं है, पर उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है। और अब बारी आती है चीज़ें सजाने की। सो सबसे पहले मैं जुकीनी रखने वाली हूँ। जुकीनी के पतले होने की वजह से ना बहुत जल्दी कुक होती है। सो अगली चीज़ मैं रखूँगी मशरूम। मशरूम जब तक हॉट है थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देते हैं। सो अब क्या करेंगे, इस पर हम करेंगे पेपर एंड देन टमेटोज़। को करना मुश्किल हो जाता है, पर पेपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि उससे चीज़ में जड़ी कमी है वो और मेल्ट हो जाएगा। सो इस वाली साइड पे हम खूबसूरत पालक की पत्तियाँ रख देंगे। अब इसको कर देंगे बंद। टमाटर आ गया बाहर, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, अंदर चिंता नहीं करेंगे। ब्रेड नाइफ की मदद से इसको कट देंगे। वैसे मैं काटती नहीं हूँ, पर मैं इसलिए काट रही हूँ क्योंकि फिर अंदर से दिखेगा खूबसूरत है। और मुझे लग रहा है साइज भी हो गई होंगी खोल के। सो मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इतनी सोहनी खुशबू आ रही है ना पेस्टो की। इसमें ना अगर आप एग प्लांट भी डालें ना, बैंगन, वड्डा वाला बैंगन, लंबी लंबी स्लाइसेस, बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसको मैं ट्राई करती हूँ, मैंने बहुत बहुत स्वादिष्ट लगा, सो डिलिशियस। जब आप कुछ खाओ जो आपको बहुत अच्छा लगे ना, अपने आप डांस निकलता है, राइट? आराम से खाती हूँ, मज़े लेके, ज़रूर से ट्राई करना, बहुत अच्छा है। करेंगे अगर आप ये सैंडविच ट्राई करेंगे ना, मुझे ज़रूर से बताना। व्लॉग की आउट्रो करना मैं भूल गई हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है या नहीं। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। आई लव यू गाइज सो वेरी मच। बाय बाय।